बहुत पुरानी बात है। समर अपने घोड़े पर बैठा रेलवे फाटक खुलने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो ट्रेन की पटरियों पर सीधी चली जा रही थी। समर घोड़े से उतर गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिया। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? तुमको ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं पड़ रही थी क्या? किन ख्यालों में गुम हो तुम? समर की झाड़ खाकर वो लड़की सिसकियां भरकर रोने लगी। अरे तुम रो मत, बताओ तुम कौन हो और क्यों अपनी जान देने पर तुली हुई थी? मेरा नाम रेशम है, पर मैं यहाँ कैसे आई मुझे याद नहीं है। तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम ट्रेन की पटरियों पर चल रही थी? नहीं। समर की आंखें उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी पलकों पर टिक गई थी जिनमें गहरी उदासी थी। चलो मैं तुम्हारा घर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। ठीक है, आज की रात तुम मेरे घर चलो, लेकिन कल सुबह ही चली जाना। रेशम चुपचाप उसके साथ उसके घर आ गई। घर क्या था, पूरी हवेली थी। तुम यहाँ रहते हो? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था, इतनी बड़ी हवेली और घर में सिर्फ नौकरों चाकरों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं अकेला ही रहता हूँ। रेशम उस कमरे में गई तो समर ने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंके से रेशम के घुंघराले बाल उड़ रहे थे। आसमान पर दूर दूर तक छिटके तारों और चंद्रमा की उजली रोशनी ने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था। वो थोड़ी देर खिड़की के पास ही खड़ी रही। तुमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहाड़ियों के ऊपर फैला आसमान और चांद कितना खूबसूरत है ना। लगता है तुमको चांद तारों से बहुत प्यार है। हाँ। तुम आराम करो। रेशम फिर भी खिड़की के पास ही खड़ी रही। समर सोने चला गया। रात काफी बीत गई थी। अचानक समर की नींद खुली तो वो रेशम के कमरे की तरफ चला गया। उसने देखा कि कमरे के सामने वाली छत पर रेशम बैठी हुई थी। तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैं यहाँ कब आई और कैसे आई मैं नहीं जानती। बाप रे, कहीं ये आत्मा वगैरह का चक्कर तो नहीं है? तुमने कुछ कहा क्या? बस यही कि अंदर चलकर आराम कर लो। सुबह सुबह ही दरवाजा खटखटाने से समर की नींद खुल गई। दरवाजा खोला तो सामने रेशम थी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, मुझे तुम यहाँ से जाने को मत कहना। अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुमको मुझसे शादी करनी होगी। ना तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो ना मैं, फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका तो यही है कि तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। नहीं नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। समर का दिल खुशी के मारे बलियों उछलने लगा। वो कब से शादी करना चाहता था पर कोई मनपसंद लड़की ही नहीं मिल रही थी। ठीक है, समर ने शादी की सारी तैयारी कर ली। अगले हफ्ते ही शादी हो गई। समर बहुत खुश था। रेशम की खूबसूरती देखकर सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, पर रेशम के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। रेशम, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं बहुत खुश हूँ, काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं कौन हूँ। मेहमानों के जाने के बाद दोनों अपने कमरे में आ गए। रेशम गुलाबी वस्त्रों में सजी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेशम, तुम अगर चाहो तो अपने कमरे में सो सकती हो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। दोनों सो गए। आधी रात को समर की नींद खुली तो पूरा कमरा फूलों की खुशबू से भरा था, पर रेशम नहीं दिखाई पड़ रही थी। कहाँ चली गई? उसने पूरी हवेली में देखा, रेशम का कहीं अता पता नहीं था। समर ने तुरंत अपने जूते पहने और घोड़े पर बैठकर पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। जो दृश्य उसने देखा वो हैरान करने वाला था। उसने देखा कि चार पांच परियों से घिरी रेशम उनसे खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। थोड़ी देर में ही सभी परियां नाचने गाने में व्यस्त हो गई। रेशम भी बहुत खूबसूरत लाल रंग की परियों की पोशाक पहने हुए उनके साथ नृत्य कर रही थी। अरे ये तो परी है, मैं रात भर परी के साथ रहा, क्या सचमुच इसको कुछ याद नहीं रहता है या मुझे बताना नहीं चाहती? आज मैं ये जानकर ही रहूंगा। उसने उधर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि इतना खूबसूरत मंजर देखकर उसके पैर जहां के तहां ठिठक गए। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। सुबह होते ही सारी परियां जाने लगी। वो वहीं झाड़ियों में छुप गया था। सुबह की पहली किरण के आते ही सभी परियां आसमान में उड़ गई।
पर रेशम वहीं एक चट्टान पर उदासी में डूबी हुई बैठी रही। तभी रानी परी उसके पास आई। मैं कब तक यहाँ रहूंगी रानी परी? जब तक तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। रानी परी, मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। इसके लिए तुम्हें उन्हीं साधु के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि पृथ्वी लोक के साधु अपनी तपस्या से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, साथ साथ वे बहुत दयालु भी होते हैं। हो सकता है वो तुम्हें क्षमा कर दें। रानी परी, मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी? इन्हीं पहाड़ियों के पीछे एक झरना है, वहीं उनकी कुटिया है। तुम जब चाहो वहां जा सकती हो। इसका मतलब है इसको वाकई कुछ याद नहीं रहता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो उदास सा हवेली में आ गया। सुबह हो गई थी। उसने देखा रेशम पहले से ही बिस्तर में सोई हुई थी। वो समझ गया कि ये परियों का जादू है। समर बहुत देर तक उसे देखता रहा। रेशम जब उठी तो, रेशम चलो आज पहाड़ियों के पीछे घूमने चलते हैं। नहीं समर, मैं नहीं जाऊंगी। समर समझ गया कि इसको रात वाली कोई बात याद नहीं है। बाहर कितना सुंदर मौसम है, वैसे भी तुम्हें तो चांद, तारे, नदी और झरने देखना बहुत पसंद है ना? आओ उठो। रेशम के साथ घोड़े पर बैठकर समर हवेली से बाहर आ गया और रानी परी की बताई हुई जगह पर साधु की कुटिया की खोज में जाने के लिए चल दिया। बहुत देर तक चलने के बाद वो पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। वहां झरने की कलकल सुनते ही वो उसी दिशा में बढ़ गए। तभी उन्होंने साधु की कुटिया देखी। चलकर पहले थोड़ा हाथ मुंह धोकर पानी पी लेते हैं। उसने देखा कि रेशम उसकी बात सुने बिना ही सीधे कुटिया की तरफ बढ़ रही थी। वो भी उसके पीछे पीछे चलता गया। कौन हो बेटी तुम? रेशम उनके पैरों पर गिर पड़ी। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी एक भूल की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं रेशम परी हूँ। आपने एक बार अपनी कुटिया के बाहर ही बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के अपराध के लिए मुझे श्राप दिया था कि तुम परीलोक नहीं जा सकती और ना ही तुम्हें कुछ याद रहेगा। तुम्हारे रोने गिरगिराने पर मैंने कुछ और भी तो कहा था। यही कि जैसे ही परियों के संगीत की धुन सुनाई पड़ेगी तुम परी के रूप में कुछ समय उनके साथ बिता सकते हो। मुझे ये नहीं मालूम कि ये किस ऋषि की कुटिया है। बच्चों के आग्रह पर ही मैं उनके साथ बच्ची बन गई थी। मुझे लगा था कि ये बच्चों की कुटिया है। क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओह जाओ जाओ, अब तुम श्राप मुक्त हो। इतना सुनते ही वो उनके चरणों में झुक गई। उसका चेहरा खिल गया और वो समर की तरफ घूमकर कहती है, समर तुम बहुत अच्छे हो। जाओ, मेरे जैसे ही लड़की तुम्हारी हवेली में प्रतीक्षा कर रही है। मुझे क्षमा करना, मैं परीलोक चलती हूँ। समर उसको जाते हुए देखता रहा। जब घर पहुंचा तो उसकी हवेली फूलों से सजी हुई थी और उसकी नवविवाहिता पत्नी जो बिल्कुल रेशम जैसी ही थी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पर वो उदास नहीं थी और वो परी भी नहीं थी। उदास परी ने दो ही दिन में समर का जीवन खुशियों से भर दिया था।